जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आदि शक्ति माँ भगवती से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोरथों को, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा 25 जुलाई 2024 का दैनिक पंचांग, शुभ अशुभ मुहूर्त की बात करेंगे। साथ ही साथ जो है 25 जुलाई 2024 के दैनिक राशि पर मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 25 जुलाई 2024 का दिन, तो बात करेंगे दैनिक राशिफल की। तो सभी लोग जो है वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं 25 जुलाई 2024 के दैनिक पंचांग की। तो 25 जुलाई 2024 यानी कि गुरुवार का दिन विक्रम संवत होगा 2081, शक संवत 1946 और श्रावण मास और कृष्ण पक्ष की जो है पंचमी तिथि रहने वाली है। नक्षत्र की अगर बात करें तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा, करण होगा कौलभ करण, योग होगा सोवन योग और सूर्य भगवान उदय होंगे प्रातःकालीन 5:58 पे, सूर्य भगवान अस्त होंगे सायकालीन 7:08 पे। अब बात करते हैं अशुभ मुहूर्त यानी कि राहुकाल की। तो राहुकाल जो है वह 25 जुलाई 2024 को 2:12 से लेकर के और 3:50 यानी कि दोपहर यानी कि सायकालीन तक रहने वाला है। तो इस समय राहुकाल रहेगा। बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। तो शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त जो है वह होगा 12:07 दोपहर से लेके और 12:59 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो इस अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। उसके बाद अमृत काल होगा प्रातःकालीन 9:06 से लेके और 10:34 तक अमृत काल रहेगा। अब बात करते हैं सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान जो है वह किस राशि में संचार करेंगे? तो सूर्य भगवान जो है पूरे श्रावण के महीने में कर्क राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है 25 जुलाई को 10:45 प्रातः काल तक जो है कुंभ राशि में और उसके बाद जो है मीन राशि में संचार करेंगे। अब बात करते हैं मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों के लिए कि 25 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। तो सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों की बात करते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए 25 जुलाई 2024 का दिन जो है आपको धन प्राप्ति के लिए सुगम मार्ग दिलाएगा, यानी कि धन प्राप्ति के मार्ग जो है आपके आसान होंगे। यदि आपने जो है किसी से धन उधार लिया था तो आप जो है उसे वह धन भी वापस दे सकते हैं, या फिर आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। जीवन साथी के किसी काम को लेकर आज आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। आज जो है मेष राशि के जातक किसी बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं और आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। आज आप जो है अपने परिवार के दायित्वों की पूर्ति आसानी से कर पाएंगे और आज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी के भी काम में आपको कोई गलती नहीं निकालनी है, गलती निकालने से आपको बचना होगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृषभ राशि की कि वृषभ राशि के जातकों के लिए 25 जुलाई का दिन गुरुवार का दिन कैसा रहेगा। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, वृषभ राशि के जातकों के लिए 25 जुलाई का दिन जो है लेन देन के मामलों में अच्छा रहने वाला है। आप जो है किसी पर आज आंख मूंद करके भरोसा न करें और बिजनेस कर रहे लोगों को कोई बड़ा जोखिम लेना जो है फायदा भी दिला सकता है, इसलिए आपको जो है आज आगे बढ़ते रहना है। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर आज संयम रखने की आवश्यकता होगी और आप किसी कपड़े से संबंधित किसी काम को करने की भी आज योजना बना सकते हैं। आपको वरिष्ठ सदस्य जो है, जो आपके परिवार के बड़े लोग हैं, उनसे कोई सलाह आज मिल सकती है और आज आपको जो है उनकी दी गई सलाह पे अमल भी जरूर करना है। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि मिथुन राशि की कि मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है गुरुवार का दिन। तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, मिथुन राशि के जातकों के लिए 25 जुलाई 2024 का दिन जो है कार्य क्षेत्र में कुछ उलझने लेकर के आपके लिए आने वाला है।
आज मिथुन राशि के जातकों को जो है अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और जिसके कारण आज आप परेशान भी रह सकते हैं। आपको किसी काम के समय पे पूरा न होने के कारण जो है कुछ आपका मन में जो है कुछ दुविधाएं आ सकती हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर आपकी रहेगी, लेकिन आपको अपने परिवार के मामलों को भी जो है धैर्य रख करके सुलझाना होगा, धैर्य आपको रखना होगा, नहीं तो जो है उन मामलों के बढ़ने की संभावना दिख रही है। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता भी आज सता सकती है, परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि कर्क राशि की, कि कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा गुरुवार का दिन। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, कर्क राशि के जातकों के लिए 25 जुलाई 2024 का दिन जो है वह मिला जुला रहने वाला है और आज आपको अपने मन में जो है नकारात्मक विचारों को नहीं रखना है, नहीं तो इसका असर जो है आपकी सोच पर भी पड़ सकता है। आपको कुछ विपक्षी लोगों से दूरी बना करके आज रखनी होगी और राजनीति में, जो राजनीति क्षेत्र में है तो राजनीति में कार्यरत लोगों को जो है किसी सम्मान के मिलने से परिवार के सदस्य जो है आज आपके प्रसन्न रहेंगे। आप किसी काम को लेकर यदि कोई लेन देन आदि लेने की सोच रहे हैं तो वह भी आज आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आप जो है किसी कार्य में काम को लेकर के कुछ किसी से लेन देन, मतलब किसी से कुछ धन उधार ले सकते हैं, लेना चाह रहे हैं, या फिर आपकी लोन लेने की जो है इच्छा है तो वह भी आज आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि सिंह राशि की, कि सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 25 जुलाई 2024 का दिन। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, सिंह राशि के जातकों के लिए 25 जुलाई का दिन जो है आपके लिए जो है निर्णय लेने की क्षमता को लाभ लेकर के आने वाला है, यानी कि आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है आप अच्छे अच्छे निर्णय लेंगे जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको जो है किसी प्रॉपर्टी आदि में निवेश करना जो है आज आपके लिए बेहतर रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ आप जो है किसी मांगलिक उत्सव में भी सम्मिलित हो सकते हैं, जहां आपके कुछ रसूखदार जो लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। आपको बिजनेस में अच्छा लाभ मिलने के योग आज बनते हुए दिख रहे हैं और विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि कन्या राशि की, कि कन्या राशि के लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा। तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, कन्या राशि के जातकों के लिए 25 जुलाई 2024 का दिन जो है स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर के आने वाला है। कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, इसलिए आपको जो है एक अच्छी डाइट फॉलो करनी होगी। परिवार के जो सदस्य हैं तो परिवार के सदस्यों में जो है आपस में जो है कहा सुनी हो सकती है, तो अगर यदि ऐसा होता है तो आपको पहले दोनों पक्षों की बात सुननी है तब जाकर के आपको कोई निर्णय लेना है। आपको किसी सहयोगी से जो है अपने मन की बात को कहने का आज मौका मिलता हुआ दिख रहा है और घूमने फिरने के दौरान जो है आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी की आज प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं अगली राशि यानी कि तुला राशि की, कि तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा गुरुवार का दिन। तो तुला राशि के जातकों के लिए 25 जुलाई 2024 का दिन जो है वह सामान्य रहने वाला है। आपको अपनी आय में के जो बढ़ाने, जो आपकी आय है तो आय के बढ़ाने में कुछ समस्या आज उत्पन्न हो सकती है। वहीं शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। माता जी की आंखों से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसमें आप जो है बिल्कुल भी ढील ना दें, नजरअंदाज ना करें और आपको ससुराल पक्ष से जो है धन लाभ आज मिलता हुआ दिख रहा है। आपका किसी बात को लेकर यदि मनमुटाव चल रहा है किसी से तो वह मनमुटाव भी आपका दूर हो सकता है। बात करते हैं अगली राशि की यानी कि वृश्चिक राशि की, कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 25 जुलाई 2024 गुरुवार का दिन। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 25 जुलाई का दिन जो है सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत जो लोग हैं तो कार्यरत लोगों के लिए अच्छा दिन रहने वाला है। उन्हें जो है किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है और आपको अपने आसपास रह रहे लोगों को, जो आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं तो ऐसे लोगों की जरूरतों का भी पूरा आपको ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको अत्यधिक काम मिलने से जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके बॉस जो है आपके कामों से आज प्रसन्न रहेंगे और परिवार में जो है किसी मांगलिक कार्यक्रम के होने के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं।
आपको किसी काम को लेकर यदि कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या भी आज आपकी दूर होगी। बात करते हैं अगली राशि यानी कि धनुराशि की, कि धनुराशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 25 जुलाई गुरुवार का दिन। तो जितने भी धनुराशि के जातक हैं, धनुराशि के जातकों के लिए 25 जुलाई का दिन जो है आध्यात्मिक कार्य से जुड़ करके नाम कमाने के लिए उत्तम दिन रहने वाला है। आप जो है किसी धार्मिक यात्रा पर भी आज जा सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहने वाली है, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय जो है बिल्कुल भी जल्दीबाजी में ना लें, और परिवार में जो है किसी मेहमान का आगमन भी आज हो सकता है। संतान को लेकर यदि जो संतान है तो संतान को लेकर, यदि करियर को लेकर, संतान के संबंधित करियर को लेकर कोई समस्या चल रही है तो वह समस्या भी आपकी दूर होते हुए दिख रही है। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि मकर राशि की, कि मकर राशि के जातकों के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा। तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं, मकर राशि के जातकों के लिए 25 जुलाई 2024 का दिन जो है किसी नए वाहन की खरीदारी आप जो है आज कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा दिन है। यदि लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से आपको राहत मिलती दिख रही है, जो आपके लंबे समय से चली आ रही परेशानी है तो उनसे आज आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। आपकी माता जी जो है आपसे किसी बात को लेकर आज नाराज हो सकती है, और आपका कोई पुराना मित्र जो है आपसे लंबे समय बाद जो है आपसे मिलने आ सकता है। विद्यार्थी जितने भी हैं तो विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से आज छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। आपको किसी काम के चलते जो है अचानक यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि की, कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 25 जुलाई 2024 का दिन। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन जो है नुकसानदायक रहने वाला है। आपको अपने मनमाने व्यवहार के कारण जो है आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, और कार्य क्षेत्र में जो है आपके ऊपर कोई झूठा आरोप भी लगा सकता है। यदि ऐसा हो तो आप जो है उसमें अपनी बात लोगों के सामने आपको अवश्य रखनी है, और परिवार में जो है किसी संपत्ति को लेकर यदि कोई आपका विवाद चल रहा है तो विवाद चल रहा था तो वह विवाद आपका दूर होता हुआ दिख रहा है। और राजनीति के क्षेत्र में जुड़े जो कुंभ राशि के जातक हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोग हैं, तो उनको जो है उनके कामों की जो है आज प्रशंसा होते हुए दिख रही है, तारीफ होते हुए दिख रही है। अब बात करते हैं अगली राशि और अंतिम राशि मीन राशि की, कि मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 25 जुलाई 2024 गुरुवार का दिन। तो मीन राशि के जातकों के लिए 25 जुलाई का दिन जो है, यदि किसी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में लंबे समय से कोई समस्या आपकी चली आ रही थी तो उसमें आपको जो है जीत मिलते हुए दिख रही है, और परिवार के किसी सदस्य का, जो परिवार के कोई सदस्य है तो परिवार के सदस्यों को रिटायरमेंट मिलने से, जो कोई व्यक्ति है परिवार के सदस्य है उन्हें रिटायरमेंट आज मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा, और उनके लिए किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन भी आप कर सकते हैं। जीवन साथी का संयोग आपको जो है आज भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिख रहा है, जीवन साथी का संयोग आज आपको मिलता हुआ दिख रहा है, और यदि आपका कुछ धन जो है कहीं डूबा हुआ था तो वह भी आपको प्राप्त आज होता हुआ दिख रहा है। तो 25 जुलाई 2024 को मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 25 जुलाई 2024 का दिन, और साथ ही साथ जो है दैनिक पंचांग, शुभ अशुभ मुहूर्त की जानकारी आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको अवगत कराई। तो आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपकी समस्त मनोरथों को, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता।